वेलकम है दोस्तों, आज हम लोग अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको बोला गया है कि वीकली, ठीक है, वीकली आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 8 मई तक के पूरे वीडियो को कलेक्ट करेंगे, सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, वो क्वेश्चंस मैं इसमें कलेक्ट करूँगा, ठीक है। आपको क्या करना, आज इसका फीडबैक देना है कि कैसा रहा ये वीडियो और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि सही हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम और आपको करना है कि ये जो वीडियो आपको मिलेगा वीकली मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और हमेशा, आज तो आपको 12 बजे ये वीडियो मिल जा रही है, ठीक है, हर हफ्ते की एंडिंग के बाद, ठीक है, आपको 9 बजे, ठीक है, सुबह के टाइमिंग में 9 बजे आपको ये वीडियो मिल जाया करेगा। याद रखिए, वीकली मिलेगा, साप्ताहिक रहेगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो लंबी भी रहेगी, क्योंकि आपको ही पता है हफ्ते भर की वीडियो है तो लंबी तो रहनी ही रहनी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों से, ठीक है। और फैक्ट टू फैक्ट बातें होंगी, तथ्य के साथ बातें होंगी, कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो के सारा कुछ चलेगा, ठीक है, तो मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, जो पहला मैंने एक इम्पॉर्टेंट इसमें कलेक्ट किया, उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी बताता हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है, 7 मई को स्टायरीन गैस के रिसाव की दुर्घटना घटी, ठीक है। इस गैस का रिसाव विशाखापट्टनम में गोपालपट्टनम के आसपास जो था आर पार वेंकटपुरम, ठीक है, गाँव विजाग में स्थित है LG पॉलीमर लिमिटेड कंपनी के संयंत्र से हुआ था। इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई और कई बीमार पड़ गए। जानने वाली बात क्या है कि आपको जानना है कहाँ घटना हुई थी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है। गैस कौन सा था जो रिसाव हुआ था, स्टायरीन गैस, ठीक है। फिर आपको जो जानना है कि ये कौन सी कंपनी थी जहाँ पे ये हुआ है, ठीक है, तो LG पॉलीमर लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है। इन तीन बातों के साथ आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा आज का। देखिएगा, मुस्तफ़ा अल कादिम इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है, ने 7 मई को, देखिए, जबकि सारे विश्व में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी देखिए इस चीज़ में क्या हुआ। 7 मई को इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले श्री अल कादिमी अमरीका समर्थित खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख थे। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत होने से पहले उन्होंने खुफिया प्रमुख के पद को इस्तीफा दे दिया। आपको क्या याद रखना है इसमें कि इराक के अब ये प्रधानमंत्री हैं, मुस्तफ़ा अल कादिमी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट भी कलेक्ट किया गया है, ये भी आपको मज़ा आएगा जान के। 7 मई, ठीक है, 2020 में दुनिया भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए रहता है, ठीक है। इस दिवस की तिथि प्रत्येक वर्ष IAAF इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक फेडरेशन द्वारा निर्धारित की जाती है। इस वर्ष यानी 2020 में विश्व एथलेटिक दिवस की तिथि 7 मई निर्धारित की गई थी। पहला विश्व एथलेटिक दिवस 1996 में मनाया। आपको जानना क्या है कि 7 मई को क्या रहता है, विश्व एथलेटिक्स दिवस, ठीक है। और बढ़ते हैं, फिर देखिएगा ये क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO, ठीक है, ने हाल ही में एक अल्ट्रा वायलेट UV डिसइन्फेक्टेड टावर, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट डिसइन्फेक्टेड या डिसइन्फेक्शन टावर बनाने में कामयाबी हासिल की है। इस टावर का उपयोग कोरोना वायरस के अति, दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिए, कोरोना वायरस से जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको याद करिए, समझिए, देखिए, कुछ भी हो रहा है तो कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ों को जानिए। आने वाले एग्ज़ाम में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन कोरोना वायरस को लेकर बनेगा, ठीक है, तो आप क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। कोरोना वायरस के अति संवेदनशील क्षेत्रों को कम समय में वायरस मुक्त करने के लिए किया जा सकता है। इस अल्ट्रावायलेट आधारित एरिया सैनिटाइजर का नाम UV ब्लास्टर है, ठीक है। आपको क्या जानना है कि अभी DRDO ने, ठीक है, किसने किया, DRDO ने एक डिसइन्फेक्टेड टावर, ठीक है, अल्ट्रावायलेट डिसइन्फेक्टेड टावर को बनाया है, ठीक है। ये क्या है, इस यूवी आधारित एरिया सैनिटाइजर का नाम क्या रखा गया है, नाम याद रखिएगा, UV ब्लास्टर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट देखिएगा इस पे भी, इस बार अभी देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद
यह बैंक किसी तरह का लेन देन नहीं कर सकता है, यह बैंक जमा राशि को स्वीकार नहीं कर सकता है और ना ही किसी को जमा राशि का भुगतान कर सकता है। तो कौन से बैंक के लाइसेंस रद्द होने के बाद, ये जो CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द होने के बाद अब DICGC एक्ट 1961 के तहत इस बैंक के जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत हर जमाकर्ता को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की जमा राशि दी जाएगी, ठीक है, वापस की जाएगी। अब आपको इसमें जो समझना है, ठीक है, इसमें एक जो ऊपर की लाइनें हैं मिसिंग हैं उसको कलेक्ट करके फिर हम लोग अभी नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं नेक्स्ट में देखता हूँ, आइए देखिएगा। रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति मेडल से सम्मानित किया है। नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पुतिन ने किम को यह सम्मान दिया। याद रखना है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए स्मृति मेडल दिया है, और कितने, 75वीं वर्षगांठ पे, ठीक है। आइए फिर बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इसको खाली ऐसे याद रखिए, अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आइए और भी फैक्ट पे देखते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हाइजीन डे मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है और जो मनाया जा रहा है, कब से मनाया जाता है, बहुत टाइम से मनाया जा रहा है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो अभियान चल रहा था, अभी तो लोग तो मेनली फोकस करके चल रहे हैं, पहले तो लोग चलो ठीक है चल जाता था, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। और देखिए, प्रत्येक वर्ष मई माह के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में यह दिवस 5 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस भी मनाया जाता है। मतलब दो दो चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, कई चीज़ों को इसमें दिखाया जा रहा है कि विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है 5 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे भी मनाया जाता है और विश्व स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। तो काफ़ी कुछ है, आप जो याद रखिएगा इसमें, ये ज़रूर याद है कि ठीक है 5 मई में विश्व अस्थमा दिवस पूछा जाता है। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में कुछ कलेक्ट है उसको भी देखते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में यह दिवस 3 मई को मनाया गया। विश्व हास्य दिवस का आरंभ संसार में शांति की स्थापना और भाईचारे की सद्भावना के उद्देश्य, अच्छा इसका कोई डेट नहीं फिक्स है, बस जानना क्या है कि मई महीने का जो पहला रविवार होता है उसी दिन विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आइए फिर देखिएगा, ये अभी हाल ही में मोदी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम, ठीक है, के सदस्य देशों का विशेष शिखर सम्मेलन अभी 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। इस ऑनलाइन सम्मेलन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की पहल पर किया गया है। तो किसके पहल पर किया गया था, अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव के पहल पर किया गया था। अजरबैजान इस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष है, याद रखिए अध्यक्ष कौन है, अजरबैजान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है, क्लियर। अजरबैजान क्या है, इसका अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों, आपको क्वेश्चन के टाइप में मिलेगा तो जो कि आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा कुछ और एक्सप्लेनेशन भी लेते चलेंगे, ठीक है। पूछा जा रहा है, वह परियोजना जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा भारत को 3 मिलियन USD का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा, तो वो परियोजना बताना है। तो इसमें देखिए, पहल सुरक्षा सफल अभिनव, तो कौन सा योजना है उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम लोग डिटेल लेने जाएंगे तो हमें चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। 1 मई 2020 को USAID, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत को पहल, ध्यान रखिएगा यहाँ से थोड़ा और अच्छे से करते हैं इसको, भारत को पहल योजना के लिए 3 मिलियन USD का आर्थिक सहयोग प्रदान करने की घोषणा की। पहल योजना USAID और IPE की एक संयुक्त पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान किया जाए।
हमें ध्यान देना चाहिए कि USAID विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय सहायक समर्थन संस्थान है, ठीक है। ये सबसे बड़ी सहायक समर्थन वित्तीय वाली है, ठीक है। याद क्या रखना है कि ये जो पहल थी, ये योजना क्या थी, पहल योजना थी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किसे किया गया है। तो इसका आंसर आपको याद हो तो आंसर आप टिक कर सकते हैं, बाकी हम लोग एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। इसका आंसर जो है TS त्रिमूर्ति। कौन है? TS त्रिमूर्ति। इनके बारे में कुछ चीज़ों की डिटेलिंग लेते हैं, देखिएगा। देखिए, वर्ष 1985 के भारतीय विदेश अधिकारी जो थे TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है। स्थानीय प्रतिनिधि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के राजनीतिक मिशन का प्रमुख होता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत को वर्ष 2021 में UNSC में एक गैर अस्थायी सदस्य बनना है। वर्तमान समय में 5 स्थायी सदस्यों के साथ UNSC में 10 गैर सदस्य हैं, ठीक है। क्या याद रखना है? क्वेश्चन का आंसर क्या है? TS त्रिमूर्ति, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट में, देखिए एक क्वेश्चन है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा नव विकसित माइक्रोवेव स्टरलाइजर, ठीक है, स्टरलाइजर है, तो ये कौन सा है? इसका आंसर ले लीजिए पहले। देखिए अतुल्य, ठीक है, इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए ऑप्शन, ठीक है। आइए थोड़ा डिटेलिंग ले लेते हैं ताकि क्लियर है। देखिए डिटेलिंग में, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो डाइट है, DIAT, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्रीमियर, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय है, जिसके द्वारा हाल ही में अतुल्य नामक एक नव विकसित माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया गया। स्टरलाइजर का उपयोग COVID-19, ये दोस्तों याद रखिएगा, COVID-19, ठीक है, COVID-19 वायरस को विघटित करने के लिए किया जाता है। जीवाणु रोधी 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच वायरस को विघटित करने के लिए विभेदक हीटिंग का उपयोग करता है। तो याद रखिए अतुल्य का यूज किया गया, ठीक है। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? 1 मई। आज मजदूर ही सबसे ज़्यादा समस्या में है, होप कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। पर देखिए इन पे थोड़ा डिटेलिंग उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को विश्व भर में आयोजित किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1886 में शिकागो में श्रमिक द्वारा श्रमिक मांग पत्र के रूप में 8 घंटे की कार्य अवधि, 8 सप्ताह में 1 दिन की अवकाश की मांग के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, ठीक है। यह दिवस भारत में 1 मई 1923 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। इस दिवस का आयोजन भारतीय मजदूर किसान पार्टी करती है। याद रखिएगा श्रमिक डे 1 मई, ठीक है, 1 मई को होता है। फिर देखिए नेक्स्ट में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ गंगा मिशन के लिए किस नए कार्यक्रम का संचालन किया गया है? तो देखिए इनका आंसर आप देखिएगा, इसमें क्या किया गया, IDEATHON, ठीक है, IDEATHON बोल सकते हैं, ठीक है, IDEATHON, ठीक है। तो देखिएगा अभी क्या किया गया, 2 मई 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ गंगा मिशन के तहत राष्ट्रीय मिशन IDEATHON कुछ बोल ही सकते हैं उसको, आप एक साथ लगा के पढ़ सकते हैं, ठीक है, लॉन्च किया गया। यह द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य COVID-19 के संकट के दौरान नदी प्रबंधन रणनीतियों में आवश्यक बदलाव लाना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि नमामि गंगे योजना को भारत द्वारा जर्मनी के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, ठीक है, भारत द्वारा जर्मनी के सहयोग से संचालित किया जाता है। याद रखिएगा IDEATHON जो केंद्र जल शक्ति मंत्रालय ने किया है COVID-19 के लिए, ठीक है। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस मछली प्रजाति के संरक्षण हेतु 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजित किया गया था? तो कौन सी मछली है? यहाँ देखिए टूना दिवस मनाया गया, तो टूना ही मछली होगी, ठीक है, टूना और टूना जैसी प्रजातियाँ, तो इसको क्या याद रखना है, कौन सी मछली है, याद रखिएगा टूना मछली, ठीक है। आइए फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2 मई को टूना मछली, यहाँ पर मिल गया ना, टूना मछली, ठीक है, प्रजाति के संरक्षण का महत्व प्रदान करने के लिए विश्व टूना दिवस आयोजित किया जाता है। टूना और टूना जैसी प्रजातियां विकासशील और विकसित देशों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। हमें ध्यान देना चाहिए कि COVID-19 ने दुनिया में डिब्बा बंद टूना की मांग बढ़ा दी है, तो याद रखिएगा ये। फिर देखिए, वह क्षेत्र जिसके केसर की खेती की
भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। तो आपको पता है केसर कहाँ? कश्मीर घाटी। ठीक है, आंसर क्या रहेगा इसका? कश्मीर घाटी। पढ़ते हैं कुछ लाइनों को। ठीक है, 2 मई 2020 को राष्ट्रीय भौगोलिक संकेतक, ठीक है, GI टैग जिसकी हम लोग बात करते हैं, द्वारा कश्मीरी घाटी में केसर की खेती को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर केसर एक विश्व प्रसिद्ध मसाला है। ठीक है, और पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम और श्रीनगर के क्षेत्र में उगाया जाता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि केसर मुख्यतः तीन प्रकारों में उपलब्ध होता है। कौन कौन सा प्रकार है? लक्षा केसर आता है, मोगरा केसर आता है और गुच्छी केसर आता है। ठीक है, कश्मीर को मिला है। वह राज्य जहां अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण सुअर मृत्यु दर को दर्ज किया गया है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण, देखिए वो राज्य कौन सा है? असम में। ठीक है, यहाँ पे आंसर है असम। यहाँ पे देखते हैं, कह रहा कि निषाद बोलिए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान द्वारा असम में। ठीक है, कहाँ पे? असम में। ठीक है, अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण 306 गांव में 2500 से अधिक सुअर की मृत्यु पुष्टि की गई है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू एक दोहरे फंसे DNA वायरस है। ठीक है, और अफ्रीकी स्वाइन बुखार का एक प्रेरक एजेंट है। हमें ध्यान देना चाहिए कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की COVID-19 के साथ कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। ठीक है, असम में हुआ है। फिर देखिए नीब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, द्वारा नव विकसित बायोसेंसर का नाम क्या रखा गया है? तो बायोसेंसर का नाम क्या रखा गया? ECOBSENSE। ठीक है, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ECOBSENSE। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने, जो कि हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, ECOBSENSE नामक एक बायोसेंसर क्या विकसित किया है? एक बायोसेंसर विकसित किया है ECOBSENSE नाम का। ठीक है, यह क्या है? यह एक गैर इनोवेसिव बायोसेंसर परीक्षण उपकरण है। यह बायोसेंसर संक्रमित व्यक्ति का लार का नमूना डिवाइस में डालने पर एक विद्युत प्रवाह बनाती है जो वायरस की उपस्थिति की पुष्टि करता है, मतलब वायरस की जांच करने के लिए किया गया है। ठीक है, फिर देखिए विश्व कार्टूनिस्ट दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, तो कब किया जाता है उसको याद रखिए, डेट याद रखिए 5 मई। कुछ लाइनें हैं पढ़ लेते हैं, विश्व कार्टूनिस्ट दिवस प्रतिवर्ष 5 मई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? कि उद्देश्य आकर्षक कार्टूनों के माध्यम से जीवन में आनंद प्रभाव को बढ़ावा देना होता है। फिर देखिए एक क्वेश्चन है कि वह देश जिसके द्वारा आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने हेतु प्रथम आर्कटिक एम उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा, तो कौन सा देश वो है? तो यहाँ जब आप देखेंगे तो देश का नाम आपको मिल जाएगा रूस। आइए लाइनें पढ़ लेते हैं ताकि लाइनें पूरी क्लियर हो जाएं। ठीक है, कह रहे हैं दिसंबर 2020 के अंत तक, ठीक है, उन्होंने टारगेट रखा है कि रूस द्वारा क्या होगा, आर्कटिक के जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए प्रथम आर्कटिक एम उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। यह परीक्षण लावोस्किन एरोस्पेस कंपनी द्वारा सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट का उपयोग करके किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि रूस का क्षेत्र आर्कटिक महासागर के साथ हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, आइए फिर देखिए एक क्वेश्चन आपके पास, विश्व का प्रथम देश जिसके द्वारा COVID-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की गई, तो वो है भैया इसराइल। यहाँ चीन आंसर नहीं है, इसराइल है। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा? इसराइल। देखें आप 5 मई, ठीक है, 5 मई 2020 को इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने COVID-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की है। इस संस्थान द्वारा विकसित मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी संक्रमित व्यक्ति के अंदर COVID-19 वायरस को बेअसर करने में सहायक है। एंटीबॉडी को मोनोक्लोनल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटीबॉडी संभवतः एंटीडॉट हो सकता है जिसका उपयोग COVID-19 के उपचार में किया है। क्या याद रखना है इसको, जान लीजिए। इसराइल ने तो कर दिया घोषणा, ठीक है, नाम क्या उसका? मोनोक्लोनल। पूरा नाम अगर लेने जाएंगे आप तो पूरा नाम आपको क्या मिलेगा इसका? मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा काम है अगर इसराइल ने कर दिया है, पुष्टि तो हो रही है, भगवान करे जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो। ठीक है, फिर देखिए भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन संचालन प्रारंभ हुआ था। इस ऑप्शन में देखिए निकासी लिखा, समुद्र सेतु, गुडविल लिखा, लोकायन लिखा है। इसमें जो आंसर है वो समुद्र सेतु है। ठीक है, देखिए भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए
कि देश के प्रयासों के एक भाग के रूप में समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों की निकासी शुरू करने के लिए INS जलश्वा और महामागर ने मालदीप में माले के मंदरगाह के लिए प्रस्थान किया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह देश जिसके द्वारा नई पीढ़ी के मानवयुक्त अंतरिक्ष यान ठीक है लॉन्ग मार्च 5B वाहक विकसित किया गया, तो वो है आंसर चाइना। लॉन्ग मार्च 5B वाहक का लॉन्च किया किसने किया, चाइना ने किया। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं, 5 मई 2020 को चीन द्वारा विकसित नई पीढ़ी के मानव युक्त अंतरिक्ष यान के परीक्षण संस्करण और अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए कार्गो वापसी कैप्सूल ले जाने वाली अपनी पहली उड़ान भरी है। लॉन्ग मार्च 5B कैरी को मुख्य रूप से चाइना के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए विकसित किया गया है। इसका उपयोग भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों के विभिन्न मॉडल को लॉन्च करने के लिए किया जाए। तो याद रखिए कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। क्या कर रहा है, लॉन्ग मार्च 5B वाहक को विकसित, ठीक है। फिर देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के नवगठित विधि आयोग की स्थापना को स्वीकृति प्रदान है, तो याद रखिए 22वें, ठीक है। ये यहाँ पे फैक्ट आपको मिल जा रहा है, इस फैक्ट के तहत आप आगे बढ़िए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग ठीक है 22 नंबर के विधि आयोग की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। यह आयोग 3 साल की अवधि के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। यह एक गैर सांविधिक निकाय है जिसका गठन समय समय पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह पहली बार 1955 में गठित हुआ था, ठीक है। तब से इसे हर 3 साल में पुनर्गठित किया था। 1955 में इसे स्थापित किया गया था, 22वां चल रहा है, 3 साल के लिए स्थापित होता है। इसमें कितने सदस्य रहते हैं, 5 सदस्य रहते हैं, ठीक है। गैर सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा। कौन सी चीज़ को बात हो रही है, विधि आयोग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, देखिए विधि आयोग, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं, डोंट वरी ज़्यादा नहीं, बस ख़त्म हो जाए, ठीक है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किसानों, निर्माण बुनकरों और ऑटो चालकों हेतु जारी आर्थिक राहत पैकेज मूल्य दिया है, तो कितना दिया है वो देख लीजिए, याद रखिएगा। यहाँ पे कर्नाटक के पूरे डिटेल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना कितना सबको मिला है, सारा इसमें डिटेल है, आइए पढ़ते चलते हैं, ठीक है। देखिए 6 मई को क्या किया गया, 2020 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं VS येदियुरप्पा, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि किसानों, निर्माण बुनकरों और ऑटो चालकों को राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान के लिए कितने रुपए की राहत पैकेज दिया है, 1610 करोड़, ठीक है, 1610 करोड़। इसे आप अलग से ही बोल सकते हैं, 1610 करोड़, ठीक है, रुपए का राहत पैकेज जारी किया है। वर्तमान समय कर्नाटक के फूलों के किसानों ने लगभग 11,687 हेक्टेयर भूमि में फूलों की खेती की, जिसका लागत मूल्य न मिलने के कारण राहत पैकेज में 25,000 की, ठीक है, 25,000 की मुआवजे राशि जारी की जाएगी। जबकि राज्य में बुनकर को वित्तीय सहायता बुनकर सम्मान योजना का भी माध्यम प्रदान किया, बुनकर सम्मान योजना किसके, कर्नाटक सरकार द्वारा। कितना पैसा यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आंसर इसका है 1610 करोड़, ठीक है, 1610 करोड़ रुपये। आइए फिर देखिए, रूस द्वारा उत्तर कोरिया शासक, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है तो आज का आंसर ले लेते हैं। रूस द्वारा उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को स्मृति मेडल प्रदान किया, किस चीज़ के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, ठीक है। फैक्ट भी मिल जाएगा आपको, देखिएगा वही फैक्ट पूरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, ठीक है। फिर देखिए CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिए पुणे में है, ठीक है, पुणे में है। आजकल जो भी वैज्ञानिक संस्थान, बायोलॉजी संस्थान, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब पेपर होगा तो ये बहुत अच्छे से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ये लैब कहाँ पे है, ये प्रयोगशाला संस्थान कहाँ है, ये कहाँ पे बायोलॉजिकल, ये कहाँ पे, वो कहाँ, मतलब बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से जो भी निपट पा रहा है अच्छे से उसको याद करते चले, ठीक है। तो यह एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है जो मुख्य रूप से जैविक अनुसंधान के लिए समर्पित है, जो आज प्रॉब्लम चल रही है उसी के लिए समर्पित है। इस संस्थान के स्थापना वर्ष 1977 में बायोकेमिकल अनुसंधान पर प्राथमिकता ध्यान देने के लिए जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित की गई थी, ठीक है। तो याद करेंगे, यहाँ देखिए पुणे है, तो पुणे को आप भूल जाइएगा। यहाँ देखिए कैसे आंसर इन्होंने दिया हुआ, तो ये आंसर नहीं है इसका, भाई बाई मिस्टेकली मैंने आंसर इसका बोला है, लेकिन ये आंसर नहीं है। तो याद रखिए CSIR का मुख्यालय कहाँ, ये आप देखिए ध्यान से, ठीक है, फिर से ध्यान दे दीजिए, ठीक है।
तो कहा जा रहा है कि ये जो जय रासायनिक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली मुख्यालय, याद रखिए नई दिल्ली मुख्यालय, ठीक है। फिर देखिए मनरेगा के संबंध में बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ करने वाला राज्य, तो इसमें राज्य सरकार कौन है, झारखंड, ठीक है, इसमें राज्य सरकार। मनरेगा भी संबंध में क्वेश्चन आपको याद रखना है, मनरेगा से भी बहुत दिक्कत होने वाली क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे ही बनेंगे, तो किसने किया है, झारखंड ने किया है, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्टों को पढ़ते चलते हैं, ठीक है। 5 मई 2020 को झारखंड सरकार ने, ठीक है, 5 मई 2020 को झारखंड सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाने के लिए 3 योजनाएं शुरू की हैं। इस योजना में 25 करोड़ रुपए से अधिक मानव दिवस सृजित होगी और श्रमिकों काफ़ी कुछ है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि झारखंड सरकार ने क्या किया है, बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की है मनरेगा संबंध झारखंड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की भी हम लोगों ने चर्चा की लेकिन थोड़ा सा और मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में, देखिएगा। इराक के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री अभी बने हैं मुस्तफ़ा अल कादिमी, ठीक है, सद्दाम हुसैन के उपरांत बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। अब बताइए कौन से नंबर के थे, उसमें तो चर्चा नहीं हुई थी कौन से नंबर के थे, ठीक है, तो आइए इस बात की भी जानकारी लेते हैं, ठीक है। देखिएगा इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादिमी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। यह सद्दाम हुसैन शासनकाल 2003 के उपरांत पद पर निर्वाचित होने वाले, याद रखिएगा, छठे नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, यही बात आपको याद दिलानी थी बस। और कुछ इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर देखिए वह देश जिसके द्वारा अपनी मुद्रा का नामांतरण कर नई मूल्य व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ठीक है, तो कौन सा देश है जिसने मुद्रा का नामांतरण कर दिया है, ठीक है, नई मूल्य में, तो यहाँ देखिए देश का नाम ईरान, ठीक है, ईरान देश का चर्चा में है और ईरान देश का यहाँ पे नाम रहेगा, ठीक है। तो मुद्रा का नामांतरण करने वाला मूल्य व्यवस्था, नई मूल्य व्यवस्था किसने स्थापित किया, ईरान ने। कुछ फैक्ट, पूरी लाइनें देखते हैं। 7 मई 2020 को तेहरान स्थित ईरान सेंट्रल बैंक द्वारा ईरानी राष्ट्र की मुद्रा का नाम रियाल से, याद रखिएगा बहुत भयंकर इससे क्वेश्चन बनेगा और आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानी सेंट्रल बैंक, ईरानी, ठीक है, राष्ट्र की मुद्रा का नाम रियाल से बदल कर क्या कर दिया गया, टोमन कर दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, टोमन कर दिया गया, जिसके तहत प्राथमिकी रूप से एक टोमन का मूल्य 10,000 रियाल के बराबर कर दिया गया। इस नई प्रणाली को हाल ही में ईरानी संसद द्वारा देश में उच्च मुद्रा स्फीति का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया गया, क्लियर, टोमेन कर दिया गया, ठीक है। आइए फिर देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा COVID-19 के संबंध में पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया, तो ये तो आपको पता होगा क्योंकि भारत सरकार द्वारा संजीवनी, ठीक है, कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। 7 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा COVID-19 के संबंध में हितधारकों को पारंपरिक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, संजीवनी, ठीक है, किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष मंत्रालय के अंतर अनुशासनात्मक अध्यक्ष के लिए आमंत्रित करता है, ठीक है, क्लियर रखिएगा, बस ख़त्म होने वाला, डोंट वरी, ज़्यादा हम पता है आप लोग थोड़ा परेशान हो जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन क्या करें, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ तो ज़रूर है, ठीक है। चलिए वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसने ASTM मानक, ठीक है, आधारित बैक्टीरिया निष्पादन में सक्षम फेस मास्क तैयार किया है, तो याद रखिएगा ASTM मानक आधारित बैक्टीरिया निष्पादन में फेस मास्क जिसने किया है उनका आंसर लीजिए IIT दिल्ली, ठीक है। आइए पढ़ते हैं पहले इनके बारे में कुछ, ठीक है, क्या फैक्ट है उस फैक्ट पर चर्चा करें। IIT दिल्ली ने क्या किया, स्टार्टअप किया है नैनो सेफ सॉल्यूशन ने COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए रोगाणुरोधी मास्क विकसित किया है। यह पहला फैब्रिक आधारित फेस मास्क है जो रोगाणुरोधी और धोने योग्य है। यह मास्क ASTM मानक का अनुपालन करता है। ASTM क्या है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, ठीक है, क्या नाम है ASTM का, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, याद रखिएगा किसने किया, IIT दिल्ली ने, ठीक है, मास्क बनाया है। नाम से यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन है जो सामग्री सेवाओं और उत्पादकों के लिए तकनीकी मानकों को विकसित और प्रकाशित करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और मुख्यालय इसका याद रखिएगा कि इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया में ASTM का मुख्यालय है। यही सब अब सवाल बनेगा आने वाले दिनों में, इस बात को आप आज नोटिस करिए, जब पेपर होगा उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। कश्मीर में आतंकी समूह का नाम
नया नाम दिया गया है, वो नाम क्या है उसको देखिएगा। देखिए देखिए द रेजिमेंट सॉरी द रेजिस्टेंस, ठीक है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट कश्मीर में आतंकी समूह का नया नाम है। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, आने वाले दिनों में पेपर बनेगा। ठीक है, और कुछ इसमें चर्चा में छोड़ दीजिए सारा कुछ। ठीक है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक, और बढ़ते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, कब आयोजित किया जाता है उसको देखिएगा। यहाँ देखिए काफ़ी बड़ा है, हालांकि क्वेश्चन बस पेज ख़त्म होने वाला है, परेशान नहीं होइएगा। देखिए थैलेसीमिया एक रक्त विकार है, आपको इस बातों पे भी ध्यान देने चलना है कि थैलेसीमिया क्या है, एक रक्त विकार है। ठीक है, रक्त परिवर्तन का काम करता है, यह एक अनुवांशिक विकार है जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कणों RBC में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। ठीक है, थैलेसीमिया किससे, हीमोग्लोबिन की बीमारी से रिलेटेड, इसमें अधिक नहीं हो पाता। ठीक है, थैलेसीमिया माता पिता के जीन्स के माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक अनुवांशिक विकार है। क्या हुए, माता पिता से मिलने वाला एक अनुवांशिक विकार है। ठीक है, विश्व थैलेसीमिया दिवस पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है, पूरी दुनिया में 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, थैलेसीमिया के कारण एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर 2 दिन से 3 सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो ये थैलेसीमिया बीमारी। ठीक है, याद रखना 8 मई। तो आ गए भैया फाइनली हम लोग लास्ट पेज पे। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करके क्लोज करते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा COVID-19, ठीक है, COVID-19 के संदर्भ में राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए एक श्रम कानून को आंशिक परिवर्तन दिया गया, श्रम कानून को आंशिक परिवर्तन। देखिए अब फैक्ट पढ़ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। 7 मई 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार अपने UP, ठीक है, राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए कंपनियों को लुभाने के मकसद से श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन का अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के तहत नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, देख लीजिए, नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, ठीक है, नौकरी के दौरान हादसे के शिकार होने और समय पर वेतन ना देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार आनंदीबेन पटेल ने संभाला हुआ है, जो कि अनुच्छेद 213 से प्राप्त शक्तियों के आधार पर श्रम कानून को अध्यादेश, तो 213 अध्यादेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, किसने श्रम कानूनों में आंशिक बदलाव किया है, वो है सरकार अपनी यूपी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करिए, और पूरी कोशिश है कि इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट कलेक्ट किया है। ठीक है, तो हफ्ते भर की वीडियो है तो लंबी तो वीडियो वैसे ही बन जाएगी, तो पूरी कोशिश रहेगी कि 30 मिनट में ही इसको कंप्लीट किया जाए। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलेंगे, ये पहला आपका ट्रायल था आज। ठीक है, थैंक यू।